नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो मिसाल है। अभी आप Google पे अगर सर्च करोगे, Google पे अगर देखोगे तो उनके नाम से एक डूडल्स बना हुआ है। उनका नाम है जुनको ताबाई, जो कि वो जापान की एक महिला है। ऐसा माना जाता था उस समय में 1975 में या उससे पहले कि महिलाओं का जगह सिर्फ घर में होता था, रसोई घर में, कि वो खाना बनाएगी, बच्चे पैदा करेगी, बस पति के साथ रहेगी, बस ऐसा ही करेगी। लेकिन वो महिला एक मिसाल बन गई। 1975 में उन्होंने यह कारनामा करके दिखाया। 1975 में पहाड़ पे चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे, और वो पहली महिला बनी। पूरे मतलब 76 कंट्री, 76 देश ऐसे थे जो पहाड़ पे चढ़ते थे, लेकिन उनमें से एकमात्र महिला बनी जुनको ताबाई, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाया था उन्होंने। तो उनका ये मिसाल पूरे देश मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। आज उनका 80वां जन्मदिन है, और 1975 में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। मैं ऐसा मतलब ये सिर्फ कारनामा नहीं कर रहा, उनके पीछे बहुत सी संघर्ष थी। उसके मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको। जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी जुनको ताबाई, तो उस समय में वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन ठीक नहीं था। जैसा कि आपको पता है, माउंट एवरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, और वहाँ पे बर्फ़ गिरते रहते हैं, और कभी भी चट्टाने गिर सकती है बर्फ़ के रूप में। तो ऐसा ही हुआ था उनके साथ। मतलब चढ़ने से पहले 12 दिन पहले वो एक ऐसी घटना हुई थी, मतलब वहाँ से लगभग सभी लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था जाने के लिए, इनकार कर दिया था। लेकिन मात्र वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने संघर्ष किया, और उन्होंने अपने गाइड से कहा कि नहीं, मैं जाऊँगी, आप बस रास्ता बता दो मुझे, मैं उस शिखर पर पहुँच के दिखाऊँगी। तो और उन्होंने वो पहुँच के दिखाया, और उन्होंने साबित कर दिया कि हौसले से बड़ा कोई भी चट्टान नहीं होता। हौसले अगर मजबूत हो तो इंसान कहीं भी कभी भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये ऐसा कारनामा उन्होंने करके दिखाया। उनका निधन 2016 में हो चुका। तो उसके बाद से उन्होंने मतलब वो सबसे पहले, मतलब जब 10 साल की थी तब उन्होंने एक एवरेस्ट पे चढ़ा, छोटा सा एवरेस्ट पे चढ़ा था। तो मतलब उनका एक पैशन था, उनका एक शौक था कि चढ़ना है मुझे, कुछ करके दिखाना है। और जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा तो उनका एज 36 था। तो गूगल जो है, अभी गूगल डूडल्स के द्वारा उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनका 80वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये वो महिला था, वो ये जो महिला थी इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको बताऊं, आपको भी अच्छा लगेगा और गर्व फील होगा कि ऐसी ही महिला थी जापान में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के बीच। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल की घंटी जो बजाना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।